जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोंडम शहपुरा डिंडोरी अमरकंटक तक नवीन रेल मार्ग के सर्वे हेतु पहल की जा रही है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में रेल सुविधा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आदिवासी बहुल्य कोंडम विकास खंड जिला जबलपुर की जनता ने कोंडम शहपुरा डिंडोरी अमरकंटक क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए रेलवे लाइन का विस्तारीकरण करने की मांग की है। क्षेत्र की जनता ने केंद्र सरकार से जल्द सर्वे कराने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में नगर के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कोंडम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्र के नागरिक गुड्डा पटवा, अजय कुशवाहा, प्रहलाद झारिया, सत्येंद्र मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, संतोष तिवारी, दिलीप जायसवाल, तेजी लाल, प्रमोद नामदेव, सोमनाथ गुप्ता आदि का कहना है कि कोंडम ब्लॉक की लगभग 2 लाख से अधिक जनता आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन से विगत कई वर्षों से जूझ रही है। क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण पलायन की स्थिति बनी रहती है। साल के 6 महीने गांव के लोग दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं, जिससे पारिवारिक विघटन की स्थिति बनती रहती है। आदिवासी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जैसे मां नर्मदा नदी की सहायक नदी हिरण नदी, जिसका उद्गम स्थान कोंडम है, शहपुरा से घोघवा, उमरिया में बांधवगढ़ व अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। उनका कहना है कि शहपुरा कोंडम डिंडोरी के आदिवासी नई रेलवे लाइन के विस्तारीकरण की मांग कर रहे हैं, और वहीं जबलपुर से अमरकंटक मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में भी रेल लाइन मां नर्मदा के उद्गम स्थल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, इस प्रकार कोंडम शहपुरा डिंडोरी अमरकंटक से व आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से नवीन रेल मार्ग के सर्वे हेतु मांग की जा रही है। फिलहाल इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आने वाले समय में देखना होगा रेलवे इस ओर क्या कदम उठाता है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।